नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये खबर एटा से। बेसिक के शिक्षकों ने एटा रोटी बैंक पर मनाया शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों ने एटा रोटी बैंक पर मनाया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों ने एटा बच्चों को पेंसिल बॉक्स, फल व खाना वितरण कर मनाया ये शिक्षक दिवस। एटा रोटी बैंक बहुत ही पुण्य का काम कर रहा है और सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, समस्त शिक्षक। जी हाँ, वही शिक्षकों ने एटा रोटी बैंक के संस्थापक आमिर खान का आभार जताते हुए कहा, ऐसी बैंक हर शहर में होनी चाहिए। इस अवसर पर समस्त शिक्षक यशराज यादव, अवनीश यादव, दीपक, अभिषेक, सौरभ, प्रति, आशुतोष, प्रदीप, सचिन व अन्य लोग भी मौजूद रहे। इटा से आमिर हयात की रिपोर्ट। काटो। चालू करता हूँ। मेरा नाम यशराज है। आज आप एटा रोटी बैंक पर आए हैं, क्या कुछ टारगेट? आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम सभी बेसिक के टीचरों ने सोचा कि आमिर भाई ने जो भूख के खिलाफ जंग में एक यज्ञ चालू कर रखा है, पुण्य यज्ञ चालू कर रखा है, उसमें एक छोटी सी आहुति हमारे द्वारा भी दे दी जाए। अच्छा, क्या लगता है आपके एटा में एटा रोटी बैंक जैसे बड़े कारनामे होते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आमिर भाई, और मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी लोगों से जो एटा में रह रहे हैं कि जो भी सामर्थ्यवान है, जो किसी की मदद कर सकते हैं, उनको मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कोरोना काल के बाद आज स्कूल खोल दिए गए हैं तो कैसा महसूस होता है टीचरों को और बच्चों को भी? एक लंबी जंग है, काफ़ी समय से बच्चे ऑनलाइन द्वारा पढ़ रहे थे, उतना नहीं बन पा रहा था उनका, लेकिन अब बच्चे दोबारा स्कूलों में आ गए, स्कूलों की रौनक भी लौट आई है। यहाँ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है और बच्चों के लिए फल और पेंसिल रबड़ की व्यवस्था रखी गई थी। आज आप एटा रोटी बैंक पर आए हैं, पहली बार कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों की हंसी देखकर, बच्चों के चेहरे पे बहुत अच्छा महसूस होता है। एटा रोटी बैंक की टीम के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आमिर भाई से मेरी कल परसों बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कई बार अपेक्षित सहयोग लोगों से नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा सेटअप तैयार करना, रोज इतने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराना, एटा में जो रोटी बैंक खोली गई है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, भारत प्रदेश में काम होने चाहिए। मेरे ख्याल से लगभग हर जिले में ऐसा होना चाहिए। अच्छा,